हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों सभी को नमस्कार और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। तो दोस्तों हम आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आज का व्लॉग दोस्तों हमारा बहुत अच्छा रहने वाला है। आज हमारा व्लॉग है तो जो हमारा जिला स्तरीय मेला पबियाना में हुआ है दोस्तों, तो उसमें जो तीन मालियाँ हुई है वो तीन मालियों का आज ब्लॉग आने वाला है। तो जो पहली माली है वो है हमारी जूनियर जो 18 साल से कम थे लड़के, उनके ऊपर एक माली रखी गई थी। एक माली वो आएगी हमारी, एक छोटी माली और एक बड़ी माली, तीन मालियाँ हुई है दोस्तों और तीनों के ब्लॉग आ जा रहा है। तीनों का कुश्ती दिखाई जाएगी और उसके बाद ये ब्लॉग बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। अब आज के ब्लॉग के मजे लीजिए और हम मिलते हैं फिर इसके बाद में आपको। ओके फ्रेंड्स, ओके। जूनियर माली हो रही है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं 17-18 साल के, और कमेटी को बधाई हर वर्ष करवाती है कमेटी इस माली को, जिसमें हमने इन्होंने कहा कि स्थानीय पहलवान, लेकिन हमने बात की, एक लड़का हमने सोलन से लिया और एक लड़का हमने यहाँ सिरमौर पछाड़ से लिया, क्योंकि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। जब सोलन में कुश्ती होती है तो बेटा आपको भी लिया जाएगा वहाँ, क्योंकि समझी समझी है सोलन और सिरमौर वाले, ऐसी कोई बात नहीं। बोले गुगा चार पीर पीर। कितने की है भाई माली? JBS की तरफ से ये जूनियर माली 5100 रुपए की, 3100 रुपए प्लस पगड़ी विनर कैंडिडेट और 2000 रुपए रनर कैंडिडेट। बोलिए गुगा जहर पीर की। सुनील पहलवान अखाड़े में बड़ी कुश्ती करवाने जा रहे हैं, हम हाथ मिलाए कोई पहलवान इनसे। चेतन क्यों मिलाएगा, इसका एक राउंड हो गया। कहां गए जी पहलवान, यहां से उठ के निकल गए बाहर, अंदर आ जाए पहलवान। सुनील जी बैठिए आप। जंगल जल्दी, बड़े मालिक की हमें ज्यादा चिंता रहती है, क्योंकि बीच वाली तो हम करवा देंगे। राजकुमार पे कोई हाथ मिलाएगी? रिंकू शाबाश, मिला ले हाथ, ये होता है जिगरा। चलो जी तैयार हो तो वैसे ही सुनील, सुनील पहलवान के साथ भी कोई हाथ मिलाए पहलवान। पहलवान जी, पहलवान मरियोग और रजनीश पहलवान, बड़गला राजगढ़ के बीच में आज की ये माली की कुश्ती, छोटे माली दोस्तों, प्री सीनियर माली जो ये हो रही है, इसके बाद सीनियर माली होगी। चलिए जी, चलिए कुश्ती। Thank you.
शाबाश 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 छोटी माटी करती हुई स्टे ना करे पहलवानों, दोनों पहलवान वीर सिंह और रजनीश पहलवान। रजनीश के पक्ष में आज की ये कुश्ती गई, कुश्ती ना करे पहलवानों परमिशन ले ले मेला कमेटी से पहले। भी जीता रजनीश ठाकुर पहलवान बटगला वाले, बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आज की लगातार चौथी कुश्ती इन्होंने जीती है और माली जीती है। खूब खूब बधाई राजगढ़ क्षेत्र के उभरते हुए नौजवान को कोटि कोटि बधाई, धन्यवाद। की ये कुश्ती जो हो रही है, संजय पहलवान रोहतक वर्सी दीप्ति पहलवान रेलवे टीटी चंडीगढ़ के बीच आज की अंतिम फाइनल कुश्ती, दोनों अच्छे पहलवान। कुश्ती हार जीत में बदलेगी तभी माली का पारितोषिक वितरण आपको अदा किया जाएगा। बोलिए गुगा महाराज की जय। करिए अंतिम कुश्ती, पब्लिक आप देख सकते हैं दोस्तों, सभी यहाँ पर हैं, अभी बहुत सारी पब्लिक अभी यहाँ पे है। अच्छा विजेता पहलवान रहे विक्की पहलवान रेलवे टीटी चंडीगढ़ वर्सेज उप विजेता रहे संजय पहलवान रोहतक। मेला कमेटी ने खूब अच्छा दंगल करवाया, बेहतरीन इनामात दिए, अच्छा बहुत ही सुपर दंगल करवाया। मेला कमेटी के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। बेहतरीन कुश्ती मेला कमेटी के द्वारा हर वर्ष करवाई जाती है, मेला कमेटी को भी कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सभी पहलवानों का धन्यवाद। आप लोगों ने जो अनुशासन का यहाँ परिचय दिया इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। चलो, और खास करके हमारे जो रेफरी साहब सुरेश जी और सुरेश भाई दोस्तों, हाँ जी सुरेश जी, इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से जो इसका ऑर्गेनाइजेशन किया उसके लिए हम इनके धन्यवाद ही है। और आप सभी लोगों अगली बार के लिए भी आपका सादर आमंत्रण है। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस टाइम काफी टाइम हो चुका है, सवा आठ, आठ सवा आठ हो चुके हैं इस सेम टाइम, और यहाँ पर अभी भी दुकानदार है दोस्तों। आपको बयाना में जो अभी है थोड़ा बहुत मैं वैसे ही दिखा देता हूँ आप, और थोड़े आपको घुमाते हैं कैसे क्या है यहाँ पे। तो इधर दोस्तों ये पैकिंग शैकिंग चल रही है इधर। सुनील भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, बढ़िया। और कैसे रहा मेला भाई जी? चलो बढ़िया रहा, बढ़िया रहा की कृपा से, बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। और भाई जी, भाई ठीक ठाक है? भाई साहब विनोद भाई है हमारे, ठीक है।
कैसा नाम मिला? ठीक है, बहुत बढ़िया सुनील भाई। चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों की दुआ है। थैंक यू, थैंक यू भाई जी। तो इधर भाई जी, हाँ जी भाई जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई जी। क्या नाम आपका? देशराज। देशराज जी, हाँ जी। चलो ठीक है भाई जी, ठीक है। कोटला ब्लॉक से? अच्छा अच्छा अच्छा। चलो भाई भी क्लोजिंग की ओर चल रहे हैं दोस्तों। इधर और इधर कौन बंदा है भाई ये? ठीक है सर, चल ठीक है, ठीक है। और इधर भी दोस्तों भाई लोग भी बैठे हैं। भाई और ठीक है, इधर बैठे हैं दोस्तों भाई लोग हमारे। अभी चलो देखते हैं बाकी। इधर दोस्तों ऐसी रौनक लगी है इधर, यहाँ पर इधर हमारे शाम की रौनकें हैं ये। इधर भाई लोग भी बैठे हैं यहाँ पर। मामी जी नमस्कार जी, पिता के मामी जी चले ड्यूटी आपके हैं दोस्तों। मामी जी लगे हैं अभी भी काम में, यहाँ पर काफी रश है। ठीक है मामी जी हैं। और भैया जी, बाबू नमस्कार भैया। मामा जी नमस्कार जी। नमस्कार। ठीक है मामू, बढ़िया बढ़िया बैठे हैं अभी है। अभी अभी खाई मामू, बढ़िया बढ़िया। और भाई बढ़िया भैया, हमारे अजय भाई। तो कैसा रहा यार अजय भाई आपका आज? आज बढ़िया रहा मामू है, मेला ठीक है। सही बात, लालच तो आदमी जितना मर्जी का है, लालच तो जितना मर्जी। हाँ सही बात है, अच्छा भाई और सुना कुछ? सब बढ़िया भैया जी, ठीक है। अच्छा भैया दोस्तों हमारे साथ लाइव में आते हैं, मामा जी भी आते हैं कई बार, तो ठीक है। अच्छा भाई अब दीजिए दोस्तों हमारे अच्छा भाई इधर और इधर बैठे हुए हैं। अजय नमस्कार जी, ठीक है। चलो बढ़िया। और भाई जी नमस्कार, नमस्कार। और भाई ठीक है, बढ़िया है। बैठ रहे भी बंदे हैं, रेस्ट कर रहे थोड़ा है। चलो बढ़िया, चलो बढ़िया, ठीक है। आपकी भैया साथ है, चलो क्यों ना चले, क्यों आपको है। बाकी सर बैठे और ये हो भाई सर, कहाँ चले कपिल भाई? बढ़िया भाई जी। तो मैच का सर आपका बहुत तगड़ा, मजा है, ठीक रहा? फाइनल आपने जीता है। पार्टी शार्टी होनी चाहिए कुछ है? पार्टी हाँ बिल्कुल, फाइनल जीता दोस्तों बंदों ने। चलो ठीक है भाई जी, ठीक है भाई। ये वॉलीबॉल का मैच है दोस्तों और फाइनल हमारे कपिल भाई की टीम ने जीता है। ठीक है कपिल भाई, ठीक है। ओके ओके भाई, ओके ठीक है भाई ना, ठीक है भाई, ओके भाई जी। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों इस टाइम हम पद्म जनरल स्टोर यहाँ पबियाना पे, हम यहाँ दुकान में है दोस्तों। तो जो हमारे यहाँ पर मेला कमेटी के सदस्य हैं बैठे हैं दोस्तों, तो हम थोड़ा फीड देख लेते हैं मेले के बारे में। हम तो वीडियो ही बना रहे थे, हम इतना ध्यान नहीं कैसा रहा, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे सदस्य हैं हम फीड देख लेते हैं मेले का कि कैसा रहा है। तो दोस्तों इस टाइम हमारे सामने जो है वो पूर्व BDC मेंबर श्री हरदेव जी हैं और पूर्व मतलब वाइस प्रेसिडेंट हमारे टिंकू भाई के हैं या सुरजीत भाई हैं दोस्तों। तो हम भाइयों से थोड़ा फीडबैक लेते हैं कि भैया यार हम तो बिजी थे आज मेले में वीडियो बनाने में, लेकिन हम भाइयों से जानना चाहेंगे कि आज हमारा मेला मतलब कैसा रहा, मतलब थोड़ा सा फीडबैक बताएं भाई। सबसे पहले तो सुनील ठाकुर के इस ब्लॉग का हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने मेले का इतना अच्छा कवरेज लिया कि जो लोग तो मेले में आए थे उन्हें तो मेला देखा ही देखा, लेकिन जो बाहर ही बैठे हुए चंडीगढ़ बॉम्बे हमारे रिलेशन में बैठे हुए लोग, उन्होंने भी फुल एंजॉय किया इनके माध्यम से। तो मेले का फीडबैक ऐसा है कि मेला बहुत अच्छा रहा, गुगा महाराज जी का पारंपरिक मेला लगता है और पबियाना में लगा है, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, पहली बार ऐसी जगह पर लगा हमारे जहाँ पर 1000 दर्शक अगर बैठता तो भी कम दिखता, बहुत अच्छी जगह थी और अखाड़ा इतना सुंदर बना था और कमेटी ने इतना अच्छा मैनेज किया कि जो भी हमारे चीफ गेस्ट आए थे रिंकू ठाकुर जी और डॉक्टर जगतराम जी जो हमारे यहाँ के पद्मश्री विजेता भी है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवार्ड भी ले चुके हैं पूरे एशिया में, वो आए थे, उनका बड़ा सम्मान रहा, सबका अच्छा सहयोग रहा। उसके लिए पूरी मेला कमेटी विक्रम ठाकुर जी और उनके सहयोगी जितने भी कमेटी में उसमें चाहे कोई पदाधिकारी है सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ में सुरजीत जी बैठे हुए, ये भी कुछ अपने दो शब्द कहेंगे। सुनील भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी आवाज आपके माध्यम से ना जाने कितने लोगों तक पहुंची है, इसके लिए आभार है आपका। आज का जो मेला है आप सभी ने देखा, बहुत ही शानदार दंगल यहाँ पर देखने को मिला, जिस तरह का हमारा मैदान था आपने दिखाया है, बहुत ही शानदार जगह वहाँ पर चयनित की है। यहाँ पर हमारे भाई रंजीत जी इन्होंने यहाँ पर हमारे को जगह दी, बहुत ही अच्छी जगह है, आप वहाँ पर हजारों की संख्या में देख सकते हैं। तो आने वाले समय में भी अगले साल अगर वही मेला लगा तो हम सभी दर्शकों को कहेंगे भारी संख्या में आए और मेले की का मजा और हमारे इस मेले की शोभा बढ़ाए।
क्योंकि ये मेला मिलन का एक माध्यम होता है, इससे पता नहीं कितने नए लोग जुड़ेंगे जो हमारे को जानते हैं और कई हम उनको जानते हैं, जिससे जितने भी लोग आए ज्यादा से ज्यादा आए और इस मेले का लुत्फ उठाए और साथ में सुनील ठाकुर जी के ब्लॉग्स को जरूर देखें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इनके व्यूवर्स भी और ज्यादा बढ़े। इनका हर रोज होता है 10 बजे से 11 बजे, सभी देखे लाइव, बहुत ही मजेदार। मैं भी लाइव आते हैं दोस्तों, मैं भी लाइव खुद आता हूँ, तो बड़ी मजेदार इनकी। और एक कमेंट बार फिर समस्त मेला कमेटी, प्रबंधन मेला कमेटी की तरफ से, प्रधान उप प्रधान जितने भी हमारे सदस्य उन सब की ओर से सुनील ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने एक छोटा छोटा क्षण भी अपने ब्लॉग्स में कैप्चर किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। तो थैंक यू सो मच भैया। ओके भैया, हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज आपने ब्लॉग्स के मजे लिए होंगे क्योंकि 3 मालियां भी हमने आपको दिखाई है और जो वहां पर उसके बाद नजारे थे शाम को वो भी दिखाए हैं और फीडबैक जो लिया हमने जो हमारे कमेटी के मेंबर्स थे वो उन्होंने बहुत अच्छा कहा है दोस्तों और हमारे ब्लॉग्स के बारे में भी कहा है, तो हम भाइयों का उनका फिर से शुक्रिया अदा करते हैं और बार बार करते हैं। तो जो आज का ब्लॉग है मैं आप समाप्त करता हूँ और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे हैं तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और फिर हम आपसे कल मिलते हैं एक नादन और नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सेफ फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो। ओके बाय फ्रेंड्स, ओके बाय।